Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. बिग बॉस सीजन 11 से फेम पाने वाली हरियाणा सिंगर और डांसर सपना चौधरी जोधपुर में लाइव शो करने पहुंची थी। सपना के इस शो में हजारों की संख्या में लोग आए थे। इस मौके पर सपना के फैंस उन्हें देखने आए थे, लेकिन इस बीच सपना को देखने आई भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। हालांकि सपना चौधरी ने अपने फैंस को स्टेज पर न चढ़ने के लिए कहा। सपना ने इस दौरान कई बार दर्शकों से गुजारिश की। इतना ही नहीं, सपना ने स्टेज पर चढ़ने वाले दर्शकों को माँ बहन भाई परिवार की कस्में भी दी, लेकिन किसी ने सपना की बात नहीं मानी। यह प्रोग्राम करीब 3 घंटे का था, लेकिन इसी हालत में सपना को 50 मिनट के भीतर ही प्रोग्राम को खत्म करना पड़ा। वहीं प्रोग्राम जल्द खत्म होने पर हंगामा मच गया। रिपोर्टर्स के मुताबिक ऑर्गेनाइजर ने पुलिस से यहां कार्यक्रम करने की इजाजत मांगी थी। पुलिस ने इस दौरान उन्हें कार्यक्रम करने देने से मना कर दिया और कहा कि पर्याप्त जाप्ता नहीं है। वहीं ऑर्गेनाइजर संपत भूतिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं साथ ही याचिका में कहा गया कि सपना के प्रोग्राम में पुलिस को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पाबंद किया जाए। ऐसे में याचिका के जवाब में कोर्ट ने आदेश दिया कि आयोजन की अनुमति दे दी जाए, साथ ही पुलिस को इस आयोजन की सुरक्षा के लिए खर्च भी दिया जाए। इसके लिए पुलिस ने ऑर्गेनाइजर को 8.5 लाख रुपए का खर्च बताया। ऑर्गेनाइजर ने पुलिस को 3 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनाया और पुलिस को दे दिया। ऐसे में पुलिस ने कहा कि राशि कम है, ऐसे में सुरक्षा नहीं दी जाएगी। पुलिस ने ऑर्गेनाइजर को चेक भी वापस कर दिया। ऐसे में पूनिया ने एक प्राइवेट कंपनी के बाउंसर को कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी दी।